हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नाटक एकांकी, नाटक और एकांकी में अंतर, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आइए इन पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अपना पहला प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखें और कॉपी को निकाल लें और पेन को निकाल लें, क्योंकि मैं आपको समझाऊँगा मैं आराम आराम से, जिससे आप नोट कर सकें, ठीक है, और नोट करते चलना। अब आ जाए नाटक किसे कहते हैं, नाटक, ठीक है। तो नाटक, बाबू श्याम सुंदर दास ने नाटक काव्य की बताया है। बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या बताया है कि नाटक काव्य की वह विशेष विधा है जिसमें लोक परलोक की घटित तथा अपघटित घटनाओं का दिखाने का आयोजन किया जाता है, नाटक कहलाता है। नाटक क्या है? नाटक काव्य की वह विशेष विधा है जिसमें लोक परलोक की घटित अपघटित घटनाओं को दिखाने का आयोजन किया जाता है, नाटक कहलाता है। बहुत सिंपल भाषा है, यानी मैं आपको समझा दूं कि अपने जिस मतलब जितने भी लोक परलोक में घटित अपघटित घटनाएं हैं, अगर उनको दिखाने का काम किया जाए, दिखाने का आयोजन किया जाता है, तो वही नाटक कहलाता है, ठीक है। अब आइए एकांकी आइए। देखो, एकांकी दृश्य काव्य का छोटा रूप है, ठीक है, और एकांकी में एक अंक भी होता है, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लो, ठीक है। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है, यानी एक अंक का वह दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, एकांकी कहलाती है। इसकी सीधी सीधी परिभाषा यह है कि एकांकी किसे कहते हैं, देखो, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य, जिस काव्य में एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, एकांकी कहलाती है। सिंपल है, जिस काव्य में एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, एकांकी कहलाती है। सिंपल है, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा प्रश्न है, नाटक और एकांकी में अंतर। तो नाटक और एकांकी में अंतर, एक तरफ आप डाल लीजिए नाटक और एक तरफ डाल लीजिएगा एकांकी, ओके। नोट जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखते रहे, हिंदी ग्रामर मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगा, मैं सिखाने की गारंटी लेता हूँ हिंदी ग्रामर, और 90 प्लस आएंगे आपके नंबर। हिंदी में कुछ नहीं है, हिंदी ग्रामर ही आती है, क्वेश्चन आंसर तो सिर्फ 16 नंबर के आते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, कहानी सुना दूंगा, वो आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न देखो, पहला पॉइंट है इसमें, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में लिख दो, या फिर इसकी आप परिभाषा लिख सकते हो, पहले आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। परिभाषा मैंने क्या बताया था कि नाटक काव्य की वह विशेष विधा है जिसमें लोक परलोक की घटित अपघटित घटनाओं को दिखाने का आयोजन किया जाता है, या फिर जिस काव्य में लोक परलोक की घटित अपघटित घटनाओं को दिखाने का आयोजन किया जाता है, नाटक कहलाता है। ऐसे लिख सकते हो, जिस काव्य में लोक परलोक की घटित अपघटित घटनाओं को दिखाने का आयोजन किया जाता है, नाटक कहलाता है। और जिस काव्य में एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, एकांकी कहलाती है। यह हुआ आपका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, नाटक में अनेक अंक होते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में मात्र एक अंक होता है, ठीक है, एकांकी में एक अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपना, नाटक में
नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। पात्र जानते हो, जो जैसे अपने टीवी सीरियल पर नाटक आते हैं जिसमें पात्र कोई किसी का किरदार निभाता है, कोई किसी का, वह पात्र होते हैं। ठीक है, जो नाटक बनाते हैं वही पात्र कहलाते हैं। ठीक है, थीके? तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होगी क्योंकि आप जानती हो नाटक बहुत दिनों तक चलता है। अभी देखो इसमें यही पॉइंट बन जाएगा, तो तीसरा पॉइंट लिख देना आप, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। एकांकी में लिख देना, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। ठीक है, और नंबर चार में लिख देना, नाटक धीरे धीरे लंबे समय तक चलता है। वही बात आ गई, देखो क्योंकि नाटक अपने देखा होगा तो धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, चलता है कि नहीं? तो नाटक धीरे धीरे लंबे समय तक चलता है, एकांकी कुछ पल में समाप्त हो जाती है। नंबर चार में लिख देना है, एकांकी कुछ पल में समाप्त हो जाती है, और नाटक में लिख देना, नाटक धीरे धीरे लंबे समय तक चलता है। लिख लिया। और नंबर पाँच आ जाए, नंबर पाँच, नाटक दृश्य काव्य का बड़ा रूप है, एकांकी दृश्य काव्य का छोटा रूप है। नाटक दृश्य काव्य का बड़ा रूप है, एकांकी दृश्य काव्य का छोटा रूप है। ओके, क्लियर। अब आ जाओ नाटक की चार परिभाषाएं, विशेषता, सॉरी विशेषता लिखिए। तो देखो जो मैंने नाटक में लिखाई थी, आपको जितने भी पॉइंट लिखाए थे वह आपको इनमें लिख देनी है। ठीक है, वही आपकी विशेषता हो गई। ऐसे ही आपको एकांकी में करना है। एकांकी में जितने ही मैंने आपको पॉइंट लिखाए थे पाँच, वह आपको एकांकी में लिखना है, वही इसकी विशेषता है। ठीक है, ओके। अब आ जाए छठवां प्रश्न, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है? उनके प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया पता है? जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। ठीक है, हिंदी में नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। ठीक है, और इनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ओके, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नाटक का नाम है। ठीक है, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया? जयशंकर प्रसाद को। और आपका एकांकी में, हिंदी में एकांकी सम्राट किसे कहा गया है? राम कुमार वर्मा को। किनको? राम कुमार वर्मा, ओके, राम कुमार वर्मा को कहा गया है। उनकी प्रमुख एकांकी नाम क्या है? एकांकी के नाम है देखो बहुत से हैं, मैं आपको बता दूं कि सूखी डाली, सूखी डाली, भौर का तारा, सूखी डाली भी है, भौर का तारा। ठीक है, ये एकांकी नाम है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।